सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों फाइनल मुझे गिफ्ट का ऑप्शन मिल चुका है। अभी मैं उस गिफ्ट के ऑप्शन को कैसे सेटअप करने वाला हूँ, मतलब मेरा जो बैंक अकाउंट होता है उस अकाउंट को कैसे गिफ्ट के ऑप्शन पे ऐड करने वाला हूँ, मैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे फीचर है जो कि बदल चुके हैं। जब पहले के टाइम पर जो गिफ्ट का ऑप्शन आता था, पर उस गिफ्ट के ऑप्शन पर बहुत सारे ऐसे फीचर थे जो कि अभी के टाइम पर चेंज हो चुके हैं और आप लोगों को किसी ने नहीं बताया। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे सेटअप करना है। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आप लोगों को गिफ्ट का ऑप्शन नहीं मिला है तो आप मेरे जो पिछला वीडियो है उसको देख लेना। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको गिफ्ट का ऑप्शन कैसे मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा। आपने वो कर दिया तो आपको 24 घंटे के अंदर गिफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साइड बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने मोबाइल स्क्रीन ऑन कर दी है और मैंने इंस्टाग्राम को भी ओपन कर दिया है। अभी हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गिफ्ट ऑप्शन को कैसे सेटअप करा जाता है। तो मैं अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कि मुझे गिफ्ट का ऑप्शन मिला भी है या नहीं। तो मैं प्रोफेशन डायलॉग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मुझे गिफ्ट का ऑप्शन मिल चुका है। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो और मेरी जो रीच होती वो सारी सारी डाउन है, क्योंकि मैं इस वाले आईडी पे कोई भी पोस्ट नहीं करता हूँ। फिर भी मैंने ट्रिक लगाई, उस ट्रिक से मुझे गिफ्ट का ऑप्शन मिल गया। अगर आप लोगों को गिफ्ट का ऑप्शन नहीं मिला है तो आपकी दो ही गलतियाँ हो सकती है। अगर आप लोगों का आपको प्राइवेट है तो आप लोगों को कभी भी गिफ्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं भी होगा तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट से कन्वर्ट नहीं करा होगा। अगर आपको प्रोफेशनल अकाउंट कन्वर्ट करना नहीं आता तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आपको कैसे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। मैं उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां चेकआउट कर सकते हो। अभी हम कर लेते गिफ्ट के ऑप्शन को सेटअप। तो मैं गिफ्ट के ऑप्शन को ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट अर्निंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मेरा नाम आ चुका है, मैं उस नाम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट को ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे एक ऑप्शन आ जाता है। तो पहले के जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, जो कि आपका नाम है वो यहाँ पर डाल देना है। दूसरे ऑप्शन पर आपको आपका सरनेम होता है वो यहाँ पर डाल देना है। तीसरे ऑप्शन पर आपको जो अपने बर्थडे होती है पर आपकी बर्थडे जो आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक है वो यहाँ पर डाल देनी है। वो डालने के बाद आप जिस कंट्री से हो उस कंट्री का यहाँ पर नाम डाल देना है। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आपने नेक्स्ट करा यहाँ पर आपको एक नंबर पे कंट्री का ऑप्शन दिखाई देता है, वो ऑटोमेटिक ही आपकी कंट्री सिलेक्ट हो सकती है। अगर आपकी नहीं भी हुई तब इंडिया, नहीं तो आप जिस कंट्री से हो वो सिलेक्ट कर देना। और नीचे के साइड आपको जो बिजनेस टाइप का जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट कर देते, बाद में उनका जो गिफ्ट का ऑप्शन है वो चला जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक नंबर पर इंडिविजुअल जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसको सिलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। मतलब आपका अकाउंट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने नेक्स्ट करने के बाद आपको अभी बैंक अकाउंट को सेटअप करना होगा। तभी हम बात करते हैं, जैसे यहाँ से देख सकते कि मेरा यहाँ पर फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक नंबर पे हमारा नाम डाल देना है, दो नंबर पे हमारा जो मिडल नेम होते हैं उसको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर जो सरनेम है उसको जरूर डालना है। आपको जो सरनेम डाल देना है, आपको जो बर्थ डेट होती है वो भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपको जो प्राइमरी एड्रेस होता है, मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। मतलब जो गिफ्ट के जो ऑप्शन होते हैं, जो इंस्टाग्राम की जो कंपनी है आपको कुछ भी गिफ्ट भेज सकती है, या तो आप कुछ भी कार्ड वगैरह हो जो आपके इस एड्रेस पे आ जाएगा। दोस्तों अगला आता है हमारा सिटी का, तो हमारा सिटी का जो नाम है यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर हमारा कंट्री, मतलब जिस कंट्री से हो, जिसके महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जिस कंट्री से भी हो यहाँ से डाल देना है। उतना बनने के बाद हमारा तो पोस्ट कोड होता है जो कि हमारा आधार कार्ड में आराम से दिख जाएगा, यहाँ पर आपको डाल देना है। अगला आता है अपना फोन नंबर, जो कि हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक है वही आपको नंबर यहाँ पर डाल देना है। बाद में आपका जो ईमेल एड्रेस होता है जो कि अपना इंस्टाग्राम पे ऐड है वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देना है।
बाद में आपका जो परमानेंट आपको नंबर टू पैन कार्ड, मतलब आपका जो पैन कार्ड होता है उस पैन कार्ड अकाउंट को यहाँ पर डाल देना है, जो कि आपका पैन कार्ड के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा होगी इससे बहुत सारे नंबर होते हैं, उस नंबर को यहाँ पर डाल देना है। बाद में आपको जो GST जो रजिस्टर्ड नंबर होता है आपने वो नहीं भी डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि सारे जो ऑप्शन है उसको मैं सेटअप कर लेता हूँ। दोस्तों मैं सारे के सारे ऑप्शन को फिल कर दिया है। अभी आपको लास्ट स्टेप क्या आता है कि आप लोगों को ये जो ऑप्शन है बाय चेक इन द बॉक्स का उसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसको टिक मार्क कर देने। जैसे आपने टिक मार्क कर दे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा और आपका नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपने अभी आएगा अगली प्रोसेस जो कि GST टैक्स की होती है, वो आपको फॉर्म फिल कर देना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो दोस्तों जैसे आपने नेक्स्ट करा तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ऐसे हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा तो आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, पहला जो होता है बैंक ट्रांसफर, दूसरा होता है वेयर ट्रांसफर और तीसरा होता है आपका पेपल अकाउंट। आपके पास पेपल अकाउंट होगा तब आसानी से पे आउट कर सकते हो। यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर लिंक मेथड के ऊपर क्लिक करके आप आराम से सेटअप कर सकते हो। अगर आप लोगों को बैंक अकाउंट में चाहिए, अगर आपके जो पैसे होते हैं उसको आपने बैंक अकाउंट में डालना है तब क्या करना पड़ेगा, दूसरा बीच का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक कर दिया यहाँ से थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद आपको जो पूरी डिटेल्स होगी जो कि बैंक अकाउंट हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अभी पहला ऑप्शन पे आ जाता है अकाउंट होल्डर नेम, जो आपका नाम है यहाँ पर डाल देना। बाद में आता है स्विफ्ट कोड। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको क्या करना है कि आप लोगों को जो बैंक अकाउंट होता है उसके ओनर से बात करनी है, उनको कहना है कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, वो आपको स्विफ्ट कोड दे देंगे। स्विफ्ट कोड कहीं से नहीं मिलता, सिर्फ अपने बैंक अकाउंट से ही स्विफ्ट कोड मिलता है। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में जाके व्हाट्सएप को स्विफ्ट कोड लेके आना है। स्विफ्ट कोड लेके आने के बाद आपको नीचे के साइड आपको बैंक अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपको बैंक अकाउंट को ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है। अभी मैं सारा सारा सेटअप कर देता हूँ, बाद में आपको दिखा देता हूँ कैसे अगला प्रोसेस है। दोस्तों अभी मैंने इस पर पूरी डिटेल डाल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ से आपको अभी नेक्स्ट कर देना है। जैसे मैंने लिंक पे आउट मेथड के ऊपर क्लिक कर दिया तो हमारा लास्ट प्रोसीजर आएगा जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो कि अभी हमारा आता है लास्ट स्टेप। अभी मैं करता हूँ ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो अभी आएगा हमारा लास्ट डेट, यहाँ से हमें सेटअप कर देना है। यहाँ से हमारा पूरा गिफ्ट कॉर्ड सेटअप हो सकता है। दोस्तों इतना होने का मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ, यहाँ से फिर से मैं अलाउ कर देता हूँ। दोस्तों आपने जैसे नेक्स्ट करा तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप लोग US से हो क्या, मतलब US में रहते हो क्या, तो आपको यहाँ से नो कर देना है। तो यहाँ से जो सेकेंड वाला ऑप्शन है उसको भी नो कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जब कंट्री जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको आपका कंट्री डाल देना है। तो यहाँ से मैं अपना कंट्री डाल देता हूँ इंडिया, से मैंने इंडिया डाल दिया है। पर यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हमारा तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है कि जो पहले के ऊपर क्लिक करना है जीरो सर्विस के ऊपर, आपको उसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। बाद में आपको जी यहाँ पर सिग्नेचर को ऑप्शन दिखाई देगा, आपको क्या करना है कि जो एक नंबर के ऊपर से टिक कर देना है, यहाँ पर आपका जो नाम है वो डाल देना है। तो यहाँ पर मेरा नाम डाल देता हूँ, डालने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर पूरा सेटअप हो चुका है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हो कि मुझे आपने जो इनकम टैक्स जो फॉर्म होता है जो कि मैं फिल कर दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा पूरा सेटअप हो चुका है और मुझे यहाँ पर गिफ्ट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी मेरा पूरा सेटअप हो चुका है, हमने बैंक अकाउंट में डाल दिए, सब कुछ डाल दिए। यहाँ से आप देख सकते हो मैं गिफ्ट ऑप्शन पे से क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो अर्निंग वो जीरो जीरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर किसी ने हमें गिफ्ट भेज दिया तो यहाँ से हमारा जो अर्निंग होगा वो यहाँ पर आपको शो करेगा। यहाँ से आपने जैसे आपने क्लिक करा तो आपका जो जो मेथड होता है जो जो आपने अर्निंग करा है वो यहाँ पर आ जाएगा।
दोस्तों ये सब सेटअप था, ये सब ट्यूटोरियल था कि आपको कैसे सेटअप करना है और आपको कौन कौन से ऑप्शन का ध्यान रखना है। दोस्तों ये सारा करने के बाद आपका पूरा सेटअप हो चुका है और आप भी अच्छे से अर्निंग यहाँ पे अभी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो याद रख कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए आओ तो सब्सक्राइब कर देना, साइड बेल आइकन उसको क्लिक कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।